Hello and Namaste, myself Surajam Sahu from MindMagma, and in this video we are going to start or we are going to continue our topic natural ventilation. इस topic के दो parts बन चुके हैं. In first part we understood about the natural ventilation, उसके कुछ causes of natural ventilation के बारे में समझा था. फिर in second part we have covered about the seasonal variation जो हमारे ventilation पे आते हैं उसके बारे में देखा था हमने. In this part we are going to cover about natural ventilating pressure क्या होता है और नेचुरली वेंटिलेटिंग प्रेशर एयर डेंसिटी से हमको कैसे पता चलता है, उसका जो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम समझेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट. सो पहले हम लोग देखते हैं कि ये नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर बेसिकली होता क्या है. सो द प्रेशर डिफरेंस विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज एयर फ्लो इन अ माइन बाय अनइक्वल डेंसिटी ऑफ वेट्स ऑफ एयर कॉलम्स इन माइन ओपनिंग एंड विदाउट द एड ऑफ एनी मैकेनिकल कॉन्ट्रिवेंस इज कॉल्ड एज नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर. सो इफ यू हैव सीन आवर लास्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने नेचुरल वेंटिलेशन के एक सीजनल वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, तो उस पार्ट में आप समझ सकते हैं कि वहां पे मैंने एक चीज का बारे में बताया था, दैट इज एयर कॉलम. एयर कॉलम बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी एक ऐसे जगह पे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे जगह पे आपके अंडरग्राउंड माइन है जहां का जो सरफेस है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि एक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है. वहां पे आपने एक दो शाफ्ट बना रखे हैं, एक ये शाफ्ट हो गया और एक ये शाफ्ट हो गया, राइट. अभी आप और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके यस. तो अभी आप एक चीज देख सकते हो कि जो ये वाला शाफ्ट है, अभी इसको नाम दे दो ए बी सी एंड डी. जो सी और डी वाला शाफ्ट है वो बड़ा है, बट जबकि ए और बी वाली जो शाफ्ट है ये छोटी है. तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींच रहे हैं, ये जो है ये सरफेस है, राइट. अभी यहां पे जो ये सरफेस वाला एरिया है, जो ये वाला पार्ट है, यहां पे जो पार्ट है, यहां पे आप समझ लीजिए यहां पे एक हमने एक इमेजिनरी आफ्टर मेकिंग दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक इमेजिनरी यहाँ पे एक कॉलम आ चुका है जिससे जितना उस लेवल तक, जो बड़े वाले शाफ्ट के लेवल तक जो एक एटमोस्फेयरिक प्रेशर है कि एटमोस्फियर है, जो वहां पे एक सरफेस एटमोस्फियर है, वो मिक्सअप होता है हमारे इस छोटे शाफ्ट के ए बी के साथ और उसका जो प्रेशर है वो हमारे बी पॉइंट पे पड़ता है, राइट. ये चीज के बारे में मैंने अपने पिछले बारे में बताया था. तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ पे ए बी के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जिससे ये सी और डी वाले शाफ्ट के साथ मैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एयर कॉलम और हम बोल सकते हैं मोटिव कॉलम. राइट. तो ये था हमारे एयर कॉलम और मोटिव कॉलम के बारे में. तो अभी हम इसके बारे में आगे और समझते हैं. तो इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस नेचुरल वेंटिलेशन एज मीटर्स ऑफ एयर कॉलम और मोटिव कॉलम. जो एक नेचुरल वेंटिलेशन आप समझ सकते हो कि इस एयर कॉलम या फिर मोटिव कॉलम से हम इस चीज को समझ पाते हैं. तो मोटिव कॉलम का फॉर्मूला क्या है? मोटिव कॉलम बेसिकली ऑब्वियसली एक हाइट में आएगा क्योंकि एक डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट. एक हाइट का डिफरेंस ही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो एक डिफरेंस आ रहा है हमारे सी डी और ए बी में, तो इसीलिए मोटिव कॉलम और एच एक हाइट में आप बोल सकते हैं, दैट इज एन वी पी बाय जी डॉट रो ऑफ डी इन टू इन मीटर्स. तो एन वी पी इज इन पास्कल, दैट इज नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर, राइट. रो डी जो है हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा डेंसिटी है हमारे डाउन का शाफ्ट में केजी पर मीटर क्यूब में, और जी जो है वो हमारा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. तो अभी ये हो गया हमारे मोटिव कॉलम का एक फॉर्मूला. सो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है कि मोटिव कॉलम इज द हाइट ऑफ एन इमेजिनरी कॉलम ऑफ एयर दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेशर इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द बॉटम ऑफ डाउनकास्ट एंड अपकास्ट शाफ्ट. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मोटिव कॉलम बेसिकली एक इमेजिनरी कॉलम ऑफ एयर है, जो यहाँ पे मैंने एक एयर कॉलम बताया जो कि उससे मैच कर रही है जो हमारी बड़ी वाली शाफ्ट है, राइट. तो एक इमेजिनरी कॉलम ऑफ एयर है दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेशर, एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है जो कि इक्वल होता है हमारा सी डी और इधर ए बी से. तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, प्रेशर इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द बॉटम ऑफ द डाउन का शाफ्ट एंड द अपका शाफ्ट. एक डिफरेंस होता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं दैट इज मोटिव कॉलम, ठीक है. अभी मोटिव कॉलम और नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर के बारे में आपको समझ आया. तो अभी ये नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर हम कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे इस नेचुरली वेंटिलेटिंग प्रेशर के बारे में हम समझते हैं, इस चीज के बारे में हम देखते हैं, ठीक है. इसको कंप्यूट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज दैट
एनवीपी दैट इज नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर बेसिकली होता क्या है? नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर बेसिकली एक डिफरेंस है हमारा जो डाउन कट शाफ्ट से हमारे अप कट शाफ्ट के बीच, तो दैट इज पी डी माइनस पी यू, दैट इज प्रेशर ऑफ एयर कॉलम इन डाउन कट शाफ्ट माइनस प्रेशर ऑफ एयर कॉलम इन अप कट शाफ्ट, राइट। अभी जो नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज रो डाउन कास्ट डी कैपिटल डी जी माइनस रो यू कैपिटल डी जी, वेर रो डी जो है हमारा वो है हमारा मीन डेंसिटी ऑफ डाउन कास्ट एयर, जो हमारा मीन डेंसिटी है हमारे डाउन कास्ट में जाने वाली एयर की, और रो यू है हमारे डाउन कास्ट जो अपकास्ट में जाने वाली जो मीन डेंसिटी है उस एयर की, ठीक है। कैपिटल डी जो है वो है हमारा डेप्थ, जो हमारे शाफ्ट की डेप्थ है वो, और जी जो है वो तो हमको पता है कि दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो अभी ये हो गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला, जो प्रेशर इनटू प्रेशर ऑफ डाउन कास्ट एंड प्रेशर ऑफ अपकास्ट, जो कि है हमारा रो डी डी जी माइनस रो यू कैपिटल डी जी, राइट। अभी अभी इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो कि डी जी और डी जी कॉमन है, तो इसलिए इसको बाहर ले लिया गया। फिर उसके बाद रो डी माइनस रो यू इन पास्कल्स, राइट। तो ये हो गया हमारा एक नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर का फॉर्मूला, राइट। बट अभी रो डी जो है इसको और एक्सपेंड करेंगे, तो रो डी इज इक्वल टू कैपिटल बी ऑफ डी माइनस 0.378 ई डी इंटू 10^3 बाय 287.1 टी डी इंटू के जी पर मीटर क्यूब, और सेम चीज यहाँ पे रो यू जो है दैट इज बी यू माइनस 0.378 ई यू ब्रैकेट और मल्टीप्लाइड बाय 10^3 डिवाइडेड बाय 287.1 टी ऑफ यू दैट इज के जी पर मीटर क्यूब, राइट। अभी इसमें बी डी क्या है? बी डी बेसिकली एक बैरोमेट्रिक रीडिंग है, मीन बैरोमेट्रिक रीडिंग जो कि डाउन कास्ट की है, और हमारा बी यू है जो है वो है मीन बैरोमेट्रिक रीडिंग जो कि अपकास्ट की। अभी ई डी और ई यू क्या है? ई डी बेसिकली एक एवरेज वेपर प्रेशर है हमारे डाउन कास्ट की, ठीक है, और जो हमारा अपकास्ट के लिए ईयू जो है वो है हमारा एवरेज वेपर प्रेशर, ठीक है, अपकास्ट का। अभी यहाँ पे टी डी और टी यू क्या है? टी हमारा टेम्परेचर होता है, तो फिर टी ए टी डी जो है ये है हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ डाउन कास्ट एयर, और टी यू जो है वो है हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट एयर, ठीक है। अभी बी डी जो है वो हमारा इक्वल है बी यू से, और क्या उसको हम बी भी बोल सकते हैं, दैट इज बी डी इज हमारा बैरोमेट्रिक रीडिंग जो हमारा डाउन कास्ट का है वो अपकास्ट से सेम है, और हमारा उसको हम लोग एक बी भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो अभी यही तीनों वैल्यूज जो पी डी पी यू और बी डी, ये तीनों की रो डी रो यू और बी डी जिसको हमने बी या फिर बी यू को बी में हमने कंसिडर किया, अभी ये तीनों वैल्यूज को हम इस वाले फॉर्मूला के अंदर डालेंगे, राइट। अभी ये वाले फॉर्मूला के अंदर डालेंगे तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, दैट इज डी जी ब्रैकेट, अभी ये सारे चीजों को अगर हम ओपन अप करके सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा कैपिटल बी डिवाइडेड बाय 287.1 ऑफ टी डी दैट इज मीन टेम्परेचर ऑफ डाउन कास्ट एयर माइनस बी बाय 287.1 मीन टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट एयर इंटू 10^3, ओके। अभी इसके बाद जब हम इसको ओपन अप करके सॉल्व करेंगे तो फिर इसमें आएगा हमारा जी डी बी बाय 287.1 इंटू मीन टेम्परेचर माइनस इनिशियल मीन टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट माइनस मीन टेम्परेचर ऑफ डाउन कास्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ कास्ट इंटू मीन टेम्परेचर ऑफ डाउन कास्ट दैट इज टी यू ऑफ इंटू टी डी इंटू 10^3 पास्कल। तो इसी ये एक फॉर्मूला है हमारा जिससे हम लोग नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर हम एयर डेंसिटी से पता कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इफ यू गेट एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू यू। सो थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा।